वेलकम स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेसन नंबर 9 में हम फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे कि फॉर्म क्या है और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम एक सिंपल या फिर एडवांस फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जनरली देखा होगा इंटरनेट के अंदर कोई भी हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक साइनअप फॉर्म होता है, पहले हमें उसको फिल करना होता है, उसके बाद ही हम सबमिट करते हैं। तो उसका मीन्स क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है सर्वर के पास, ठीक, जो भी यहाँ पर साइट के लिए ओनर है उसके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। तो उसी तरह का आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप MEW में क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ अपनी साइट का ही। मैंने एक साइट में, हमने खुद की साइट में एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें सिंपल सा है, दो हमने बॉक्स लिए हुए हैं, दो कंट्रोल लिए हुए हैं, एक नेम बॉक्स का, दूसरा है ईमेल एड्रेस का। तो कोई भी यहाँ पर विजिटर आ करके यहाँ पर अपना नेम और ईमेल एड्रेस इनपुट करता है, उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास रिकॉर्ड में रह जाती है, ठीक। तो यहाँ से हम अपनी किसी विजिटर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऐसा ही हम MEW में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है, HTML पर क्लिक करना है और मोर HTML टैग्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो साइड बार में जहाँ पर टूलबॉक्स नाम का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको फॉर्म्स के कंट्रोल दिखेंगे। जैसा कि जहाँ पर आप देख रहे हैं टूलबॉक्स नाम का यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है पेन, तो इसके अंदर आपको नीचे ड्रैग कीजिए जहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स है। फॉर्म कंट्रोल के अंदर आपको काफ़ी सारे फॉर्म के रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, जो भी आपको चाहिए उस पर बस आपने डबल क्लिक करना है, वो आपके वेब पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, फॉर्म को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म नाम का यहाँ पर कंट्रोल लेना होगा, ठीक। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो हमारी फॉर्म की यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म एक्शन कौन सा है, अभी हमने एक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं किया, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक। ये हमारा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कोई भी फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए फॉर्म का स्टार्ट टैग होना बहुत ही ज़रूरी है, कंपल्सरी है, ठीक। उसके अंदर अब हम फील्ड्स का यूज़ करेंगे, कंट्रोल्स का यूज़ करेंगे। सपोज करें कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, अभी कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है अपने फॉर्म के अंदर, अभी हम इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं, मींस कोई भी कंट्रोल बॉक्स इसके अंदर अब इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मींस हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आपने इनपुट टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक जैसे ही आप करोगे तो हमारी इसकी कोडिंग आ चुकी है, इनपुट नेम टेक्स्ट बन टाइप आपका कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद इसको सेव कीजिए। सेव करने पर हमारे डिज़ाइन व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। इसको कंट्रोल एस करके उसके बाद हम यहाँ पर F12 करते हैं, हमारे पेज के अंदर, वेब ब्राउजर के अंदर यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक। इस तरीके से हमने टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना सीख लिया है। देन अब उसके बाद चाहिए कि हम इसके आगे लेवल देना चाहते हैं, मींस अभी हमें टेक्स्ट बॉक्स का नहीं पता चल रहा कि ये टेक्स्ट बॉक्स किसके रिगार्डिंग है, तो इसके आगे हमने नेम बॉक्स देना है, नेम लिखना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने फॉर्म से पहले या इनपुट से पहले मैंने क्लिक कर लिया है, अभी जो टेक्स्ट लिखूंगा वो हमारा लेबल होगा। तो लेबल के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर लेबल नाम का यहाँ पर कंट्रोल दिया हुआ है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर यहाँ पर लेबल दे देना है नेम, जैसा कि इसमें नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने नेम दे दिया। उसके बाद कंट्रोल एस कीजिए, ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में नेम आ गया है, लेबल, उसके बाद हमारा टेक्स्ट बॉक्स एंटर हो चुका है। अभी उसके बाद एक और फील्ड देना चाहते हैं, जैसा कि इस साइट के अंदर है, आपने देखा होगा नेम बॉक्स है, उसके बाद ईमेल एड्रेस का बॉक्स है, तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। अभी मुझे एक लेबल बॉक्स और चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने लेबल 2 ले लिया है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल दे दिया है। अब हमें क्या चाहिए, इनपुट टेक्स्ट यहाँ पर ही दोबारा क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल एस कीजिए, ये देखिए कंट्रोल एस करके मैं एफ यहाँ पर 12 करता हूँ। उसके बाद आपने रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पर हमारे दो बॉक्सेस लेबल क्रिएट हो चुका है, टेक्स्ट बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया है, ये हमने नेम और ईमेल एड्रेस वाला यहाँ पर लॉगिन फॉर्म एक तरह का क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बटन हमने लगाना है, मीन्स इसके बाद बटन आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, कौन सा कंट्रोल यूज़ करना है, इनपुट सबमिट बटन, ठीक। इनपुट सबमिट बटन पर आपने डबल क्लिक कर लेना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो बटन है सबमिट का यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसकी वैल्यू चेंज करनी है या फिर इसकी विड्थ और हाइट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रैग करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू चेंज करना है, सबमिट की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसका लेवल चेंज कर सकते हैं। मैंने सपोज करें कि यहाँ पर ओके दे दिया, ठीक, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके आ जाएगी, ये देखिए
कंट्रोल एस किया, उसके बाद F5 किया, ये देखिए। ठीक, इस तरीके का हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जो छोटा सा फॉर्म आपको बताया है, अभी आपको और भी कंट्रोल्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर, कैसे दूसरा है, उसके बाद हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। एंटर लगाना है, मीन्स जहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है तो आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके ही यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में डिफरेंसेस यही है कि यदि आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हो तो सिंपल टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट टाइप का कंट्रोल का यूज़ करते हो तो आप सिर्फ सिंगल लाइन में ही स्ट्रिंग का यूज लिख सकते हैं। ठीक, यदि आप टेक्स्ट एरिया का यूज करते हो तो आप मल्टीपल लाइंस इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें यही डिफरेंसेस होता है। उसके बाद देन है इनपुट रीसेट। सबमिट बटन हमने कर लिया है, सबमिट बटन पे क्या परफॉर्म करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे परफॉर्म करना है। डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी करनी है इस बटन के साथ, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो अभी हम ये एक बार कंट्रोल कर लेते हैं सभी। तो देन है आपने रीसेट बटन का यूज़ कैसे करते हैं। यदि आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने राइट किया हुआ है उसको क्लियर करना है तो आपने रीसेट बटन का मीन्स आपने कंट्रोल यूज़ करना है। रेडियो बटन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें चॉइसेस सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि कोई जेंडर है, हमने कोई मेल है या फीमेल है, आपने देखा होगा साइन अप फॉर्म के अंदर वो पूछता है कि जेंडर में मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए आप रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, या फिर चेकबॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन हमारा चॉइस के लिए होता है। आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कैसे। जैसा कि यहाँ पर मैंने लेबल क्रिएट किया, हम छोटा सा जहाँ पर क्रिएट भी कर लेते हैं, मीन्स जहाँ पर मैंने मेल दे दिया, उसके बाद मैंने क्या किया जहाँ पर रेडियो बटन पर क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया जहाँ पर लेबल बटन का, फिर लेबल कंट्रोल का फिर यूज़ किया, उसके बाद जहाँ पर दे दिया फीमेल, देन है उसके बाद हमने रेडियो बटन का कंट्रोल का फिर यूज़ किया। ठीक, उसके बाद कंट्रोल एस किया। अब हम करके देखते हैं F5, ये देखिए अभी पता चलेगा चॉइस के लिए। ये देखिए, या तो मैं यदि ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो गया, यदि ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो गया। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पर चॉइसेस यहाँ पर फिल करने के लिए रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है कि आप यदि पासवर्ड से रिलेटेड कोई इनपुट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा कि हम कोई भी लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि हमें हमसे वो ईमेल मांगता है या ईमेल पूछता है, उसके बाद पासवर्ड हमने एंटर करना होता है। उसी के रिगार्डिंग यदि आप उससे रिलेटेड आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो आप सिंपल है पासवर्ड जो कंट्रोल है उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसा कि जहाँ पर आपने करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पर ही मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है लेबल, लेबल में मैंने लिख दिया पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए इनपुट टाइप यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। ठीक, अभी हमारा पासवर्ड जहाँ पर हमने लेबल दे दिया, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में हमने इनपुट पासवर्ड पर क्लिक कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं, इस पर हमें डिस्प्ले नहीं होगा चाहे नंबर है या चाहे करेक्टर है। ठीक स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि हमें कैसे हम पासवर्ड का कंट्रोल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं अपने MEW में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, यदि आपको इमेज लगाना है अपने फॉर्म के अंदर तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। सिंपल सा आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, मीन्स जहाँ पर आपको इमेज चाहिए, इसके बाद इमेज चाहिए या फॉर्म के बीच में इमेज चाहिए तो आपने डबल क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ से उसके डबल क्लिक करके जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी ओपन होते ही जहाँ पर उसका नेम है, यदि बदलना चाहते हैं तो उसका नेम बदल सकते हैं। तो उसके बाद जनरल में आपने कोई पिक्चर मीन्स उसका पाथ देना है, यदि आप कोई भी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आपने उसका पाथ देना है। पाथ दे करके उसका अल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अपीयरेंस वही है सेम कि उसकी विड्थ और हाइट कितना रखना है। यदि आप उसकी विड्थ और हाइट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ये आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस किया हुआ है इमेज के बारे में। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हिडन, कि हमने कोई भी वैल्यू को हिडन करके रखना है यूज़र के द्वारा, तो उसके लिए हम हिडन इनपुट कंट्रोल का यूज़ करते हैं। और उसके बाद देन है कि हमने फाइल को कलेक्ट करना है, तो फाइल को कलेक्ट करने के लिए आपको इनपुट फाइल नेम का बॉक्स यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसा कि जहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, इस तरह का यहाँ पर कंट्रोल इनपुट हो जाएगा, कंट्रोल एस, उसके बाद F5 करके देखते हैं। ये देखिए चूज फाइल, आपने देखा होगा कई फॉर्म्स के अंदर चूज फाइल होता है कि हमसे वो फाइल अपलोड के लिए पूछता है, तो हमने उसी तरह का ये कंट्रोल है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। कोई भी फाइल सेलेक्ट कीजिए तो इससे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक, अभी हमने कुछ ऐसी चीज़ की नहीं कि किस तरीके से फाइल अपलोड हो, अभी हमने कंट्रोल लगाया है। ठीक, इस पर एक्शन कौन सा हो अभी वो नहीं किया है। ठीक,
तो इसके बाद हम करते हैं देन नेक्स्ट है इनपुट बटन, सेम है इनपुट बटन यूज़ करना है कैंसिल का, मीन्स आप कैंसिल इसको इसके साथ कैंसिल का भी बटन यूज़ करना है तो आप इनपुट बटन यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ग्रुप बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जे बी ग्रुप मीन्स इनपुट फील्ड के कलेक्शन का ग्रुप बनाना है तो उसके लिए ग्रुप बॉक्स यूज़ करते हैं। फॉर्म का कंट्रोल हमने कर लिया है। ड्रॉप डाउन यदि आपने यूज़ करना है तो ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या है, जैसा कि हमने डेट ऑफ बर्थ जहाँ पर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करोगे, मीन्स मैंने जहाँ पर लेबल क्रिएट कर दिया, पहले डेट ऑफ बर्थ मैंने लेबल में एंटर कर दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें तीन मीन्स कंट्रोल चाहिए, जो ड्रॉप डाउन बॉक्स चाहिए, सबसे पहले पे चाहिए, मैंने एंटर किया। उसके बाद देन नेक्स्ट जहाँ पर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मंथ कर दिया, ठीक। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर भी लेबल बनाना था, वैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये आपने करके देख लेना है। जैसे कि जहाँ पर मुझे ईयर चाहिए, ठीक। उसके बाद मैं फिर जहाँ पर क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन बॉक्स पर एंटर करता हूँ। ये देखिए अभी दो ड्रॉप डाउन बॉक्स हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। इसके अंदर वैल्यू भी एंटर करना होता है। अभी ये ब्लैंक है, कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ आपको, F5, ये देखिए अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक। तो अभी यहाँ पर सेट करना है, अभी डेट ऑफ बर्थ के आगे आपने डे भी लिख सकते हैं, मंथ भी लिख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर मंथ एंटर करने हैं, ठीक। अभी यहाँ पर मंथ के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, ऐड करना होगा, तो इस पर आपने डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने पर जहाँ पर आपको चॉइसेस बिल्कुल ब्लैंक है तो आपने ऐड पर क्लिक करना है। तो चॉइस जैसा कि मैंने मंथ ऐड करने हैं तो मैंने जनवरी ऐड किया, सिलेक्टेड फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा ऐड करना है, फिर वही चीज़ है प्रोसेस सारा, फरवरी, उसके बाद हमने कर दिया मार्च। इस तरीके से सभी जो मंथ हैं वो आपने ऐड करके रख लेने हैं, ठीक। इस तरीके से आपका एक बॉक्स हो गया, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो देन है आपका ईयर्स, ईयर्स भी ऐसे ही हो जाएंगे, ऐड करना है जैसा कि आप 1990 इसे करना चाहते हैं, ओके पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर ओके करना है 1991। इस तरीके से आपने सभी ईयर्स यदि आप करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, सेलेक्टेड इसी को करना है तो इसी को भी कर सकते हैं, मैं आपको दो करके बता देता हूँ, ठीक स्टूडेंट्स। अभी इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस करके यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं। ये देखिए तीन हमने एंटर किए थे तो तीन जहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ईयर्स हमने दो ऐड किए थे तो यहाँ पर दो ऐड हो चुके हैं। इस तरीके से ड्रॉप डाउन मीन्स आप बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर, ठीक स्टूडेंट्स। देन उसके बाद आपको एक चीज़ बताना था कि आप किसी बटन के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, सारे हमने कंट्रोल कर लिए हैं एक बार, तो अभी हम बटन के बारे में जानते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो कैसे होगा। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बटन पर या फिर आपने करना क्या है, या फिर आप फॉर्म एक्शन में जा करके उसका पास दे देना है तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। यदि आप इस बटन के ऊपर करना चाहते हैं तो क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्म प्रॉपर्टी पर जाना है, फॉर्म प्रॉपर्टी पर जा करके आपने सेंड टू अदर पर क्लिक करना है और ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये एक्शन मांग रहा है, जहाँ पर आपने एक्शन देना है कि आप कौन सा एक्शन देना चाहते हैं, मीन्स जहाँ पर मैं किसी साइट का एड्रेस देना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपने साइट का एड्रेस डाल देना है। सपोज करें कि जहाँ पर मैंने blogger.com ही यहाँ पर एंटर किया। उसके बाद मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, मेथड दो तरह के होते हैं, पोस्ट और गेट। यदि आप किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो अपने पोस्ट मेथड यूज़ करना है, यदि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो गेट मेथड यूज़ करना है, ठीक। उसके बाद ओके कीजिए, देन ओके कीजिए, कंट्रोल एस करके देखते हैं और F5 करते हैं। अभी हमने इस बटन पर लगाया था, यदि आप इंटर भी करते हैं, यदि नहीं भी करते फिर भी ये कंट्रोल बटन प्रेस होगा। अभी मैंने ओके बटन पर क्लिक किया तो ये परफॉर्म होगा, उस साइट ये ओपन हो जाएगी जो भी हमने इस बटन पर या फॉर्म की प्रॉपर्टी पर हमने एक्शन लगाया था। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है, blogger.com यहाँ पर एंटर हो चुकी है, ठीक। यहाँ पर टेक्स्ट बन सब कुछ आ चुका है, सबमिट बन ओके, क्योंकि हमने गेट मेथड यूज़ किया है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी यहाँ पर दिखा रहा है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी बटन के ऊपर, पूरे फॉर्म के ऊपर, ठीक। दूसरा है कि आप किसी डाटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने फॉर्म को, तो वो कैसे करोगे, तो उसको करने के लिए अभी मैं कुछ फील्ड यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कैसे करना है इसको।
जैसा कि ये है, हमने सिर्फ नेम और ईमेल फील्ड लिया है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते पेज प्रॉपर्टी सॉरी फॉर्म प्रॉपर्टी पर जाना है। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे सेंड टू रिक्वायर फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन, तो आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है डाटाबेस के लिए सेंड टू डाटाबेस। ठीक, तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक बात और बता दूँ, आपके कंप्यूटर में फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन होना जरूरी है, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा इंटरनेट से, फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड लिख लेना गूगल पर जा करके। तो उसके लिए आपको राइट है, आपको बता दूं मैं आपको एक बार कि आपने लिखना है ये सर्च करके। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको साइट मिलेगी RTR फ्रंट पेज सर्वर, इसकी साइट का नाम है IAS.net। इस पर जा करके आपको जो पेज ओपन होगा उससे आपने डाउनलोड कर लेना है। यदि आपके कंप्यूटर में मीन्स यदि आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है, विंडोज 7 का कौन सा वर्जन है वो आपने देख लेना है। मेरे कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 का बेसिक होम बेसिक है, उस पर ये काम नहीं करता। यदि आपका वर्जन और होना चाहिए फिर ये काम करेगा। विंडोज 8 का कोई भी हो तो ये काम करेगा। ये देखिए यहाँ पर यू मस्ट बी यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अल्टीमेट हो, होम प्रीमियम हो, मेरा होम बेसिक है, प्रोफेशनल होना चाहिए या फिर विंडोज 7 इंटरप्राइज होना चाहिए, तो ये होगा तभी ये काम करेगा। ठीक, इस तरीके से आपने डाउनलोड कर लेना है, जहाँ से डाउनलोड दिस एक्सटेंशन लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद MEW में दोबारा जहाँ पर जाना है तो सेंड टू डाटाबेस पर क्लिक करना है और ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करना है। अभी हमने डाटाबेस कोई क्रिएट नहीं किया हो तो आपने डाटाबेस पर क्लिक कर लेना है। अभी ये देखिए मैसेज आ चुका है कि आपका डाटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है, क्रिएटेड ए डाटाबेस फॉर यू एंड दी डाटाबेस कैन बी फाउंड एट फॉर्म 1 MDB। MDB किसकी एक्सटेंशन होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सटेंशन है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक यहाँ पर एप्लीकेशन है एक्सेस, वो एक डाटाबेस एप्लीकेशन है जिसमें हमारा जो सारा आपका जो रिकॉर्ड है, जो विजिटर की इंफॉर्मेशन है उस सॉफ्टवेयर में चली जाएगी फॉर्म 1 के नाम से। व्हेन यूजिंग द डाटाबेस रिजल्ट विजार्ड यूज द डाटा कनेक्शन फॉर्म 1। ठीक, तो आपने कौन सा कनेक्शन यूज़ करना है, फॉर्म 1 नाम का। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, पहले ब्लैंक था अभी फॉर्म 1 जहाँ पर आ चुका है। उसके बाद कोई URL आपने कंफर्मेशन के लिए ऐड करना है तो कर दो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। ठीक, उसके बाद सेव फील्ड में क्या करना चाहते हो, सेव फील्ड अभी हमारी दो हैं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 1 1, मीन्स अभी हमने दो ही टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं, इसको आपने चेंज नहीं करना। ठीक, एडिशनल फील्ड में भी यही रहने दे। ठीक, उसके बाद देन आपने क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, फिर दोबारा आपने ओके पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्या आ चुका है मैसेज, दिस पेज कंटेन्स ए कंपोनेंट दैट रिक्वायर्स ए डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन टू ऑपरेट प्रॉपरली, यू शुड रीनेम दिस पेज विद ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ .asp। अभी हमने HTML में फॉर्म क्रिएट करना सीखा था, HTML में ये चीज सपोर्ट नहीं करता, ये अभी हमने डाटाबेस का यूज किया है, तो उसके लिए आपको .asp यूज करना होगा। .asp के लिए आपको सिंपल है, फाइल में जाना है, न्यू पर जाना है और ASP पर क्लिक कर लेना है। ASP पर क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा, इस पर क्लिक करते ही आपकी जो .asp फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अंदर यदि आप फॉर्म का कंट्रोल करना यूज़ करोगे, उसके बाद डाटाबेस की कनेक्टिविटी करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा तो आपने क्या किस तरीके से आपने फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म को आपने फॉर्म के जो एलिमेंट्स है, जो कंट्रोल है, किस तरीके से अपने फॉर्म में लगा सकते हैं, तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।